अभी तो करवा चौथ आ रहा है तो उसी लिए मेरा सब तैयारी चालू है और सजना सवरना चालू है, मेहंदी लगाना चालू है हाथों में, तो ये सब चीज़ें हैं और मज़ा आ रहा है क्योंकि हम बी ग्रेड जया प्रदा के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे लगता है कि मतलब बहुत माँ जैसी फीलिंग आती है उनसे, क्योंकि कभी उन्होंने महसूस नहीं होने दिया और कभी वो एटीट्यूड नहीं दिखाया हमें। ऐसे इंसान के साथ काम कर रहे हैं, मतलब जिनके साथ एक फ़ोटो खिंचाने की तमन्ना रहती है सिर्फ कि एक एक सेल्फी मिल जाए, लेकिन हम सरगी का सीन चल रहा है। यूजुअली आपको पता रहेगा कि लड़कियां करवा चौथ रखती हैं, तो हमारे शो में आप देखोगे कि मैं भी करवा चौथ रख रहा हूँ और सुबह उठ के सरगी भी खा रहा हूँ विदिता के साथ। अब मैं क्यों खा रहा हूँ, किस लिए खा रहा हूँ, इम्प्रेस करने के लिए खा रहा हूँ या मैं सच्ची मुची खा रहा हूँ और सच्ची मुची व्रत रख रहा हूँ, ये आपको शो में देखने को मिलेगा। सर जय मैम, जैसे आपकी मम्मी का रोल अदा कर रही है, मैं उनके बेटे का रोल कर रहा हूँ सर। बेटे का तो कैसा आपको फील हो रहा है उनसे काम करके? बॉलीवुड की लेजेंड है, काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर है। सर जितना बोलूँ कम है, ऐसा लगता है मैं जब भी उनके साथ काम करता हूँ हर बार आसमान छू कर वापस आता हूँ, ऐसा लगता है। और जितना बोलूँ कम है सर, और छोटा मुँह बड़ी बात हो जाएगी। मतलब शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग्स। एक्टिंग की तो बात बहुत बाद में आती है, पहले आप इंसान कैसे हो ये इससे फ़र्क पड़ता है। और मेरे हिसाब से शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बींग, सबसे अच्छे इंसानों में से हैं जिनके साथ मैंने आज तक काम किया और जिनसे मिला हूँ। केमिस्ट्री कैसी रही है उनके साथ आपके, मतलब शो के बाद भी या वो तो आप बताइए, अगर आप शो देख रहे हैं तो ऑडियंस शो के बताएगी। बाद भी जैसे आप कभी है तो बहुत अच्छे से बातचीत हो रही है आपकी उनसे? बहुत अच्छी, बहुत प्यार से बात करती हूँ सबसे, मेरे से ही नहीं सिर्फ सबसे, बहुत सीखने को मिलता है। उन्होंने भी यही बताया था आपको कि सभी से जैन अच्छे से ही बात, सबसे अच्छे से बात करती हूँ। और एज एन एक्टर तो सीखने को मिलता ही है, एज ए इंसान सीखने को मिलता है उनसे कि इतना सक्सेस के बाद भी वो इतनी ग्राउंडेड हैं, हम्बल हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई हैं। अभी क्या क्या ट्विस्ट आने वाले हैं? जो लोग आपकी वजह से खाली सीरियल देखते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अरे बाप रे, मेरी वजह से खाली देखते हैं, मैं कहूँगा कि हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है और मैं ये मानता हूँ कि हमारी पूरी टीम की एफ़र्ट की वजह से देखते हैं। तो यही कहना चाहूँगा कि हम उतनी ही एफर्ट से काम कर रहे हैं जितना हमेशा करते हैं और उतने ही ट्विस्ट आपको मिलेंगे जितने हमेशा देखने को मिलते हैं, इनफैक्ट उससे ज़्यादा, बिकॉज़ अब शादी हो चुकी है तो हर हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलेगा आपको।